आपके पीछे ने बोला लेकिन हिमाचल की सरकार में क्लैरिफिकेशन दे दूं, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसको डिनाई कर दिया है, कहा ये गलत बात है। ओके, आपने बोला डेढ़ मिनट बोला, उससे पहले आपने ढाई मिनट बोला। ऐसा है, इन्होंने भी ढाई मिनट समाप्त कर रहा हूं। अमित जी आज ऐसा मत कीजिए। देखिए युवाओं की बात अभी इन्होंने भी की और मैं मानता हूं कि मेरे चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो, अनुराग जी और मेरी एक अच्छी चीज ये है कि हम लोग फिटनेस की तरफ, हम स्पोर्ट्स की तरफ और नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम एक हैं। ऐसा मत बोलो, ऐसी बात तुम्हारी तुम्हारी विचार, तुम्हारे मन में चोर हो सकता है, मेरे मन में चोर नहीं है, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन हमारे हम सब, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम दोनों की बात यह है कि हम नशे से और हम नशा जो है उसको दूर रखते हैं। ये कल कांग्रेस पार्टी का नेता, कांग्रेस पार्टी का ऐसा नेता जिसके अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम है और जिसकी तस्वीरें हुड्डा जी के साथ है, दीपेंद्र हुड्डा के साथ है, वो ऐसा नेता पकड़ा गया। इस पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और समाजवादी पार्टी, क्योंकि चुनाव लड़ रही है तो बताए। 5,600 करोड़ का ड्रग माफिया जो सबसे ज्यादा ड्रग्स दिलाकर देश के युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रहा था, वो उनके साथ है और आज तक इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। तीसरी और आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने कहा नफरत का काम हम करते हैं, मठाधीश माफिया, ये किसने बोला? अखिलेश यादव ने। इनके नेता अफजल अंसारी कहते हैं कि साधु संत गांजा फूंकते हैं, इनके नेता कहते हैं हिंदू टेरर होता है, इनके नेता कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना चल रहा है। मैं चुनौती देता हूं मदरसे में माफिया होते हैं और एक बार बोल दो कि हज में नाच गाना होता है, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। देखिए मैंने पहले ही बोला था नफरत की आग कौन लगाता है हिंदुस्तान के अंदर में। आ गए ना मंदिर मस्जिद पे, हम बात कर रहे थे रोजगार की, किसान की, हम बात कर रहे थे युवाओं की, महिलाओं की समस्या की, आ गए कहां पे? मंदिर मस्जिद पे आ गए घूम के ना। तो हमने क्या गलत बोला था बताइए, कोई गलत बोला था? ये वो लोग हैं जो हमेशा इसी तरह की बातें करना चाहते हैं। हमारे भाई आपने बोला, कैसे बोया आपने बोला, आपने बोला, आपने बोला कि ये मंदिर मस्जिद पे आ गए। इन्होंने एक राहुल गांधी ने बात बोली कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था, वहां पर भजन कीर्तन हो रहा था, वहां मंत्रो उच्चारण हो रहा था, वहां नाच गाना कहां हो रहा था? मैं बोल रहा हूँ वही मंदिर है ना जहाँ जहाँ पे भू माफिया पैदा हो गए, प्रभु राम की जमीन पे भू माफिया पैदा हो गया, मंदिर में भू माफिया पैदा हो गया बोल रहे हैं। नहीं 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 मंदिर में भू माफिया पैदा नहीं, इसको प्रभु की जमीन पे मेरी बात होने दो, आपने संशोधन कर लेंगे, आपने राइटली पॉइंट करा है, लेकिन मंदिर में भू माफिया पैदा नहीं हो गया। नहीं हमने कहा अयोध्या में मंदिर, मंदिर मंदिर है, मंदिर इनके लिए भी मंदिर है, आपके लिए भी मंदिर, मंदिर में भू माफिया नहीं, मंदिर नहीं, हमने कहा अयोध्या में। थोड़ी सी शब्द इधर उधर, एक मिनट में पलट गए अपनी बात से, बताइए सर। मैं मंदिर देखिए सर, पहले तो नमस्कार, नवरात्रि की शुभकामनाएं सबको। मैं ये कहना चाहूँ, अखिलेश जी कहते हैं हमारा मंदिर बन रहा है और अयोध्या मंदिर, जब तक ही जाऊंगा उस मंदिर पर जाऊंगा, पहले जो हमारा निर्माण हो रहा है, क्या भू माफिया के द्वारा दल से बनाओ मंदिर, इसलिए अयोध्या में जाएंगे मंदिर तो मंदिर। देखिए मंदिर की बात टूटी हुई, आपसे एक त्रुटि हुई बोलने में, मंदिर में कंट्रोवर्शियल। मैंने कहा अयोध्या में जिस तरह से भू माफिया पैदा हुए, वहां तो प्रभु की जमीन है, प्रभु की जमीन भू माफिया नहीं पैदा होने चाहिए थे, एक बात। दूसरी बात, प्रभु के मंदिर में पानी टपका, इसके मतलब वहां भ्रष्टाचार, प्रभु के मंदिर बनाने में कहीं ना कहीं। अरे अयोध्या प्रभु की नहीं है, ये जगत ही प्रभु का है, बोलने इस दो प्रभु भाई। अब बोलने नहीं दो, इस जगत में भी तो कई सारे कई सारे लोग हैं, हम अपनी बात तो पहले भी तो इसी जगह ही है। अरे हम अपनी बात नहीं कहेंगे, तो देखिए अब मेरी बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए। तो जो लोग हमेशा धर्म मेरे आस्था का विषय, मैं बार बार कहता हूं धर्म हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। हम धर्म को आस्था के रूप में मानते हैं क्योंकि धर्म हमारा अपना आस्था है, लेकिन ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। सोचो आप, धर्म के नाम पे हमें आपको बांट के, सनातन कभी नहीं सिखाता है कि हमें, हम सनातन हमें कहता है कि सत्य अहिंसा पे चलना है और हमें दूसरे धर्म का सम्मान करना है, हम दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, इससे मतलब आप नहीं मानते। अनुराग जी के नेता ने जो किया कहा है वो सुनो, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब इसका जवाब दे दूं, अब मैं मानता हूं कि अनुराग जी ने गलत नहीं बोला होगा, वो बाय मिस्टेक निकला, पर ये जो बोला इसके बाद ये कहा गया राम मंदिर बेकार है राम गोपाल यादव की तरफ से। अब बोलिए अनुराग जी कि क्या उनका भी इस्तीफा उत्तम था? सत्यप्रकाश मिश्रा बोलने, फिर आप बोलिएगा। सत्य जी देखिए ये चुनाव का आलम है और कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार जनता जनार्दन बीजेपी को छकाएगी हरियाणा में तो और जम्मू कश्मीर में। देखिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जब वहां पर चुनाव की घोषणा हुई तो गए तो उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी से हरियाणा में समझौता करना चाहते हैं, वो समझौता नहीं हुआ। अगर कांग्रेस